खरगोन जिला मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर चित्तौड़गढ़ भुसावल स्टेट हाईवे पर बिष्टान थाना क्षेत्र के घट्टी के पास निजी यात्री बस पुलिया से नीचे गिर गई। बस पर सवार 30 लोगों में से 8 घायल हो गए। बस के पुलिया से नीचे गिरते ही ग्रामीणों ने तत्काल घायलों को निकाला और जिला अस्पताल पहुंचाया। दुर्घटना स्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ लग गई। भगवानपुरा से खरगोन की ओर लौट रहे एसपी सुनील पांडे और एडिशनल एसपी शशिकांत कनकने भी घटना स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने तत्काल घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। स्टेयरिंग फेल होने के कारण बस पुलिया से नीचे गिरी। नदी में कम पानी होने से बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। सर जी, क्या मामला है? बस पलटी है, कुछ उपचार के लिए आए हैं पेशेंट? हाँ, ये घट्टी के आसपास एक बस पलटी का है जिसमें अभी 10-12 मरीजों को लेकर आए हैं। उसमें एक दो लोगों को हेड इंजरी है लेकिन वो भी स्टेबल है अभी, ऐसा सीरियस कोई नहीं है अभी। बाकी सब लोगों को भर्ती कर दिया है, अभी उपचार चालू हो चुका है। क्या शुभ नाम सर? डॉक्टर नंदकिशोर कोटा। सर, पेशेंटों का इलाज कर रहे थे आप, लाइट नहीं है जिला चिकित्सालय में, कब से लाइट नहीं है? मेरी अभी 2 बजे से ड्यूटी है, तब से तो लाइट नहीं है। उसके पहले कब से है उसका मेरे को आइडिया नहीं है अभी। स्पेशल लाइट है यहाँ तो, 24 घंटे की सुविधा है लाइट की, फिर भी लाइट नहीं है। सूचना दी क्या एमपीबी को? सूचना तो दे दी। आप इलाज कर रहे थे पेशेंट का लेकिन मोबाइल के लाइट में इलाज कर रहे थे? अब यहाँ लाइट नहीं तो प्रशासन से पूछिए आप। ठीक सर। भैया कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप, किसी का एक्सीडेंट हुआ है? हम भगवानपुरा से खरगोन आ रहे हैं। भगवानपुरा से खरगोन आ रहे थे। हाँ, तो ये घट्टी चक्की इसे आती है वहाँ पे, वो नाला नाले के वहाँ पे मतलब बस सीधी पलटी खा गए। कितने जन बैठे थे बस में? बस में करीबन कुछ भी 20-25-30 जोन होंगे, इसे जोन करीब में। क्या बस तेज रफ्तार में? नहीं, धीरे थी बस, तो थोड़ी मतलब धीरे चल रही थी, पर वो क्या टेप को क्या क्या कर रहे थे वो लोग। अच्छा, टेप में ड्राइवर टेप वेप को कहीं चला रहा होगा? नहीं, वो ड्राइवर के साथ में जो रहते ना किन्नर वगैरह, वो क्या टेप वेप को कर रहे थे क्या हमारा, वो बातचीत कर रहे थे, वो कैसे क्या हो गया उनको भी इतनी जानकारी। मतलब ड्राइवर की लापरवाही से हो सकता है, ड्राइवर की लापरवाही। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम मनोज मालवी। कहाँ रहते हो? कुक्सी। अभी आज दोपहर में एक बस बिष्टान से खरगोन की तरफ आ रही थी, तो रास्ते में एक पुलिया के पास वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बस पलटी खाकर नीचे पुलिया में गिर गई है, जिसमें लगभग 10 लोग घायल हुए हैं। किसी के कोई हताहत होने की और गंभीर रूप से कोई सूचना नहीं है। फिलहाल अभी बस का जो कंडक्टर है उसको थाने पर बिठा दिया गया है और इस संबंध में भी पूछताछ की जा रही है कि घटनाक्रम किस प्रकार से घटित हुआ है। क्या लगता है ड्राइवर की लापरवाही रही थी? प्रथम दृष्टया जो हम लोगों ने मौके पर जाकर देखा तो उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लापरवाहीपूर्वक ड्राइवर के द्वारा गाड़ी चलाई गई है। जब पुलिया थी तो उसको गाड़ी सावधानीपूर्वक चलानी चाहिए थी, ड्राइवर की गलती से ही प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि दुर्घटना। सर, घायलों का कहना है कि वो टेप चलाने के प्रयास कर रहा था और सामने स्टीयरिंग भी पकड़े हुए था। बिल्कुल, इस संबंध में जो घायल लोग हैं उनके कथन नोट किए जाएंगे और यदि ऐसा है तो उसके ऊपर जो अन्य धाराएं होंगी उसके तहत भी। सर, आप और एसपी साहब भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे? हम लोग एक दूसरे कार्यक्रम में गए हुए थे चैनपुर में, वहां से लौटते समय जब ये घटनास्थल पर भीड़ थी तो देखा उधर के, तो वहां पर जो पुलिसकर्मी थे उनसे इस संबंध में पूछताछ की है। यदि कोई व्यक्ति उसमें फंसा हो तो उसमें निकाला जाए, उसमें पूरी तरह उसमें रेस्क्यू कर लिया जाए और आरोपियों को पकड़ने का शीघ्र प्रयास किया जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आबकारी विभाग ने कसरावत के भील गांव और पानवा में की बड़ी कार्रवाई। करीब 15,000 लीटर महुआ लहान और लगभग 300 लीटर कच्ची शराब की जब्त। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट।